अम्बाला में गृहमंत्री अनिल विज ने सफाई के लिए दो आधुनिक मशीनों को हरी झंडी दिखाई। बताया जा रहा है कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मशीनें काफी कारगर साबित होंगी। हरियाणा के गृह और स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने शहर की साफ सफाई के लिए 76 लाख की दो आधुनिक मशीनों को हरी झंडी दिखाई। इन मशीनों के जरिए शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये मशीनें शहर की सड़कों को चमका कर रखेंगी। ये वैक्यूम क्लीनिंग मशीन हैं जो सारे शहर की सफाई किया करेगी, ताकि डस्ट वगैरह जो भी सड़कों में है उन सारे को ये सक कर देती है। ये 70 लाख रुपए की नहीं है दो मशीनें, और मैं समझता हूँ कि हमारे शहर की सफाई में इससे बहुत सुधार होगा। वैक्यूम क्लीनर मशीन का रखरखाव करने वाली एजेंसी के मालिक वरुण कुमार ने बताया कि मशीनें डायरेक्ट लोकल बॉडी ने खरीदी है, जो हरियाणा के सभी नगर निगम और नगर पालिका को दी जाएंगी, जिसे 5 साल चलाने और रखरखाव करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वरुण ने कहा कि ये मशीन हर रोज लगभग 30 किलोमीटर चलाई जाएगी। मेरा नाम वरुण कुमार है और ये मशीनें डायरेक्टर लोकल बॉडीज ने खरीदी है और हरियाणा के सारे नगर निगमों को और नगर पालिकाओं को दी जाएंगी। हमें इनको 5 साल चलाने का और इनका रखरखाव करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो 5 साल हम इनको चलाएंगे और प्रतिदिन हमें 30 किलोमीटर काम करना है, 30 रनिंग किलोमीटर। शहर में साफ सफाई बनाए रखने के लिए अब आधुनिक मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। इस मशीन की खासियत ये होगी कि इससे प्रदूषण कम होगा और कम समय में ज्यादा सफाई हो पाएगी। अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।